चल पाएंगे वही रहने वाले बड़ा सवाल। अभी के लिए स्नैक्स एंड उनकी पूरी की पूरी टीम देखिए बिल्कुल एक्सो के सामने है एंड वीएलटी वर्सेस एक्सो, आई वांट टू सी दिस फाइट हैपन। स्नैक्स यहां पर उतर चुके हैं, इमॉर्टल एक ग्रेनेड कुक करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर ये ग्रेनेड से कनेक्शन मिल जाता है फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। ग्रेनेड थ्रो तो किया गया है, एक और ग्रेनेड टॉस किया जाएगा लेकिन कनेक्शन बिल्कुल नहीं मिला है पहले ग्रेनेड से। दलजीत को भी काफी लो छोड़ा गया, इमॉर्टल अकेले इस घर में फंस चुके, उनके लिए दिक्कतें बढ़ती हुई। हाई ग्राउंड से भी यहां पर फायर पावर आता हुआ एक नहीं यहां पर दो खिलाड़ी मौजूद रहने वाले हैं। शॉट्स लिए जा रहा है बाहर से दलजीत के द्वारा, एक बेहतरीन फ्लैंक प्ले किया जा रहा है लेकिन संभल के खेलना है बिकॉज़ यहां पर एक नहीं दो नहीं तीन टीम जुड़े हैं हमारे साथ एंड एक्सो इमॉर्टल सरप्राइजिंगली उनका बैकअप आ चुका है। आतंक के आगे आते हैं बट शॉट्स यहां पर कैचों के स्नैक्स के द्वारा एक बेहतरीन ग्रेनेड और पंक हो जाते हैं नॉकआउट। देखिए इमॉर्टल को नीचे आना पड़ेगा, उनके पास एकेएम है, रैंडम शॉट्स भी अगर देंगे तब भी एक्सो प्ले डाउन हो चुके हैं। सामने से क्रेटोस और जिन नॉक करना उतना मुश्किल नहीं भी होगा। फियर्स भी प्ले में आ जाएंगे अपनी यूएमपी के साथ, और स्मोक के बीच में से रैंडम शॉट्स एंड फियर्स यहां पर एक प्लेयर को नॉक कर देंगे एंड आई थिंक रीलोड आने की वजह से फिनिश ऑफ नहीं कर पा रहे बट एम4 पे स्विच करेंगे, नॉक प्लेयर को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। नॉट ओनली वन बट स्नैक्स इज वेरी सर्वाइविंग दैट प्रो शॉट वाज रियली गुड, रीलोड लगा हुआ है दोनों गियर शॉट राइफल पर साथ में एसएमजी पर भी, तो नीचे जाना पड़ सकता है बट एट द सेम टाइम ही वांट्स टू प्रोवाइड दैट रिवाइवर टू इमॉर्टल एज़ वेल। दिस माइट बी द डिसाइडिंग ग्रेनेड, अगर डिफ्लेक्ट लगे तो जीत को नॉक करके जा सकता था बट नहीं, कुछ खास डैमेज उस ग्रेनेड ने किया नहीं। टाइम बाय कर रहे हैं जहां पर इमॉर्टल को रिवाइवल मिल सकता है, सेंसी वहां पर लो ऑन एचपी है, अब वो गाड़ी लेके पुशिंग करेंगे जहां पर दलजीत को डाउन किया जाएगा बट नहीं, स्नैक्स ने वहां पर सेंसी को डाउन कर दिया। दलजीत को लाइसेंस मिल गया ऊपर आके पुश करने के लिए बट जो रिवाइवल फियर्स ने दिया इमॉर्टल को वो अब मैन एडवांटेज को बढ़ाएगा और इस 2v2 की फाइट में कोशिश करेगा फियर्स अकेला यहां पर एक और नॉक निकालने का। एब्सोल्युटली बट ग्रेनेड्स देखिए यहां पर फियर्स कितने सारे ग्रेनेड लेकर आया है, 5 से 6 ग्रेनेड्स ऑलरेडी टॉस किया गया इमॉर्टल एंड फियर्स के द्वारा, एक और ग्रेनेड टॉस किया जाता है इमॉर्टल के ऊपर, ये दिक्कत बन सकता है बट आगे आते हैं फियर्स। दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्ले कमिंग इन फ्रॉम इमॉर्टल एंड फियर्स, अकेले दो खिलाड़ी यहां पर कंप्लीट वीएलटी को ऑब्लिटरेट करते हुए नजर आएंगे एंड डिस्काउंट का भी यहां पर आपको फिनिश फीड में जरूर प्रेजेंस दिखेगा। 7 सिप्रिंस अटैक कर चुके हैं, ये बेहतरीन थर्ड पार्टी के रूप में एक फाइट निकल सकता है। 7 सिप्रिंस जो अकेले आए हैं, क्या यहां पर बैकअप मिलेगा 7C? They need to go in ham, they need to take all the players down. Scout knockout हो जाते हैं, Kevin Esports के द्वारा Ultron भी knockout हो जाएंगे। Orangutan के साथ यहां पर 3-way fight चलता हुआ, Aladdin को knock and finish किया गया है। 7C's, they have made a mistake coming in here. ये टीम XO की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है, दो ही खिलाड़ी बने हुए। Fierce आगे आ जाएगा, Immortal proving to be immortal at the very moment. आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, वो thirst करना चाहते हैं लेकिन spray god कहां पर है, एक complete different angle पे गाड़ी दिख चुकी है, McLaren उनके पास अवेलेबल है, चाहे तो रिवाइव के लिए जाइए या फिर पुश कीजिए, पुश कर रहे हैं वो मॉले यहां पर टॉस करने वाले हैं। मॉले नॉक किया गया, परफेक्ट बॉल चलता हुआ, इमॉर्टल वर्सेस स्प्रे गॉड, इमॉर्टल को नॉक किया गया है। फियर्स आखिरी खिलाड़ी, कैन ही क्लच दिस आउट, बहुत मुश्किल होने वाला है। डॉट एंड फीवर बचे हुए, हील करने का मौका नहीं देंगे बट इस फाइट के अंदर जो कैमियो इमॉर्टल ऑफ फियर्स ने दिखाया एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट सर्व कर गई वेलोसिटी गेमिंग।